अजमेर जिले में बढ़ रही लगातार कुत्तों की संख्या को ध्यान में रखते हुए तोल्फा की ओर से नसबंदी के साथ ही टीकाकरण का कार्य की जा रहा है। अजमेर नगर निगम कांजे हाउस के प्रभारी ब्रिजमोहन शर्मा ने बताया कि अजमेर नगर निगम की ओर से टेंडर जारी कर टोला को 2 साल का ठेका दिया गया है, जिसमें वह प्रतिदिन 300 कुत्तों को टीकाकरण करते हुए नसबंदी कर उन्हें उसी स्थान पर छोड़ेगा, जिससे कि उनकी बढ़ती संख्या पर लगाम लगाई जा सके। साथ ही अगर वह किसी को काटते हैं तो व्यक्ति सुरक्षित रह सके। ब्रिजमोहन शर्मा ने बताया कि यह टेंडर 2021 में किया गया था, जो कि नवंबर 2023 तक जारी रहेगा। इस दौरान अगर वह लापरवाही करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। नगर निगम की ओर से 7,000 कुत्तों को लेकर यह टेंडर दिया गया था, जिससे कि बढ़ते कुत्तों की संख्या में कमी लाई जा सके। अलग अलग स्थानों पर मिलने वाली शिकायतों पर तोल्फा संस्था कार्रवाई करते हुए कुत्तों की नसबंदी करने में जुटी है। राज्य सरकार द्वारा ABC प्रोग्राम के तहत पशु जन्म नियंत्रण के अंतर्गत इन कुत्तों को पकड़कर और इनके जो है बंध्याकरण व टीकाकरण का कार्य नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए निविदा टोल्फा को जारी की है 2 वर्ष के लिए, जिसमें 7,000 कुत्तों को पकड़ने व बंध्याकरण व इलाज के लिए जो भी है सारा लक्ष्य रखा है। तो करीब 7 माह से ये कार्य कर रही है संस्था। 7,000 कुत्तों को 2 साल में पकड़ने का जो लक्ष्य है वो 300 के करीब, मतलब प्रति माह कुत्ता पकड़ करके ये लक्ष्य अपना पूरा कर लेंगे। प्रति कुत्ता बंध्याकरण व टीकाकरण का 700 रुपये दर निर्धारित की गई है, और जिस स्थान से कुत्ते को पकड़ते हैं उसी स्थान पर इनका ऑपरेशन करके पुनः छोड़ा जाता है। इनको बाहर छोड़ने की पशु क्रूरता अधिनियम में इस तरह का मतलब ये कोई प्रावधान नहीं है कि इनको जंगल छोड़ा जाए। आम पब्लिक की शिकायत के निस्तारण के लिए ये कार्य नगर निगम द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी हद तक कुत्तों की संख्या कमी होने की संभावना है। अब तक कितने कुत्ते पकड़े सर? अभी तक 7 माह में इन्होंने 2153 कुत्ते पकड़ करके और ऑपरेशन करके छोड़ दिया। नसबंदी जो है वो सब क्यों करवा रहे हो, क्या उद्देश्य है? नसबंदी कराने का एक ही उद्देश्य है कि इनकी जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, और इसको ध्यान में रखते हुए ये जो बंध्याकरण का कार्यक्रम है इससे काफ़ी हद तक इनकी जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकेगा। पब्लिक को भी राहत मिलेगी सर, इस तरह से घेर रहे थे लोगों को? बिल्कुल मिलेगी पब्लिक को राहत, उसी के तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और पूरे राजस्थान में है। लेकिन क्या है कि ये जो एक साथ तो कम होने का मतलब वो नहीं है, हालांकि पहले भी ये कार्यक्रम चल रहा था, अब लगातार 7,000 कुत्ते का जो लक्ष्य दिया है वो मतलब काफ़ी मतलब ये अपना लक्ष्य पूरा कर लेगी संस्था। अजमेर में 7,000 कुत्ते सर? अजमेर में वैसे तो कुत्तों की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन 7,000 का हमने एवरेज मतलब 300 कुत्ते प्रति माह पकड़ेंगे तो भी काफ़ी संख्या में कमी आएगी कुत्तों की। टीके जो क्यों लगा रहे हैं? टीके इसलिए लगा रहे हैं कि ये जो कुत्ते हैं आवारा, ये किसी आदमी को अगर काट लेते हैं तो उससे क्या है कि टीका लगने से किसी काटे हुए व्यक्ति पे इंस्पेक्शन वगैरह नहीं फैलता है, इस कारण रोकथाम के लिए ये टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। कब तक चलेगा ये? 2 वर्ष के लिए है, ये नवम्बर 2023 तक पूरा हो जाएगा, उसके पश्चात पुनः टेंडर की कार्रवाई की जाएगी। ये सतत प्रक्रिया है नगर निगम की तरफ से, और इनके नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अगर टोलफा वाले सर नहीं पकड़ते तो उन पर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है? यदि आम पब्लिक शिकायत करती है टोलफा के लिए तो टोलफा की टीम निर्धारित स्थान पर जाती है, लेकिन 7 दिवस के अंदर उनको शिकायत का निस्तारण करना अनिवार्य है। फिर भी यदि 7 दिवस के बाद कोई शिकायत का निस्तारण होता है तो नगर निगम द्वारा टोल फा से जो प्रस्तुत उनके भुगतान बिल हैं उनमें से पेनल्टी की जाती है। प्रति दिन 500 रुपये पेनल्टी का प्रावधान किया गया है, और अभी कुछ पेनल्टी इनसे वसूल भी की गई है। आपका नाम? ब्रजमोहन सेन, प्रभारी अधिकारी कांजी हाउस नगर निगम।